एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावाही की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ है लोगों को गंदगी, झोपड़ी, कचरे, नाले सबसे आजादी मिल जाएगी। यहाँ झुग्गी झोपड़ी के बदले फ्लैट दिखेंगे, पर इसकी जिम्मेदारी किस समूह को मिली, कैसे बदलेगी धारावी की तस्वीर, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी जहाँ करीब 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, 13,000 से अधिक छोटे मोटे कारोबार चलते हैं, उसकी तस्वीर बदलने वाली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच में बसा दुनिया के घनी आबादी वाला झुग्गियों में से एक धारावी अभाव के बीच सालों से जी रहा है। छोटे छोटे घर, झुग्गी झोंपड़ी, गंद की तंग गलियां इसकी पहचान बन गई है। साल 2008 में आई फिल्म स्लम डॉग मिलियनर ने दुनिया के सामने धारावी की असली तस्वीर खोल कर रख दी, जिसके बाद से कई बार इसे डेवलप करने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन हर बार बात अटक गई। लंबे इंतजार के बाद अब देश के बड़े उद्योगपति गौतम की कंपनी अडानी समूह इसका पुनः विकास करेगी। पिछले 15 सालों से कई असफल प्रयासों के बाद अब अडानी इसकी सूरत बदलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के पुनर्वास के लिए अडानी प्रॉपर्टीज की नियुक्ति को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि पहले चरण की शुरुआत 2024 से हो जाएगी। इस पुनर्वास के लिए परियोजना की कुल समय सीमा 7 साल है, यानी 7 साल में धारावी की तस्वीर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।